अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर होगा तो क्या होना चाहिए? मैं नहीं करूँ, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ चाहती है कि हमें मदद की जाए और सारी पार्टियां बंद कर दी जाए। अगर हम महाराष्ट्र में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत तो है, जितना हम महाराष्ट्र मजबूत उतने कांग्रेस यहाँ जितने जो हमारी हैसियत वहाँ पे कांग्रेस हैसियत यहाँ पे वही हालत है। यहाँ कांग्रेस को टिकट लेने को एग्री नहीं यहाँ पर है। जब कांग्रेस खड़ी होती है तो कहीं 5,000 कहीं 10,000 वोट लेती है, तो यहाँ हम कांग्रेस को वोट कठुआ कह सकते हैं, लेकिन उस वोट कठुआ को अखिलेश जी ने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए वोट रूप बंटवारा न होने के लिए 105 सीटों में इलेक्शन लड़ाया। लेकिन जब गुजरात में इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी को नहीं पूछा गया। अभी जब कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा था, अखिलेश जी का नाम अनाउंस कर दिया स्टार प्रचारक की तरह से, लेकिन वहाँ पे समाजवादी पार्टी को सीट कोई नहीं दी गई। तो महाराष्ट्र में हम उनको मदद करते हैं, जब इलेक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ शिवसेना को कांग्रेस मदद करती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन सर्कमस्टांसेस में मैंने अखिलेश जी को चिट्ठी लिखा है कि ये लोग सिर्फ अपना यूज़ करते हैं और ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं। अगर आप इनके साथ अलायंस करते हैं तो आप पूरे देश में जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टियों की जो हैसियत है उस हिसाब से सबको अकोमोडेट करना चाहिए, न कि सिर्फ सेकुलरिज्म का बहाना लेकर के हम लोग जो अपनी पार्टियां बंद कर दें और खाली कांग्रेस को वोट दें, फिर तो मतलब नहीं हुआ। क्या सत्ता की लोभी कांग्रेस की जाने? सत्ता की लोभी कांग्रेस है ही है। अगर कांग्रेस सत्ता की लोभी नहीं होती तो कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को नहीं आने देती। कांग्रेस तो रखता है कि बीजेपी का जुल्म जितना बढ़ रहा है उतना सेकुलर लोग बीजेपी से नाराज होकर के बिना कुछ किए हुए कांग्रेस वोट दे देंगे, ये उनकी भूल है। तो महाराष्ट्र में आपने कहा शिवसेना जो है बार बार विरोध करती है बीजेपी, लेकिन अलग नहीं होती, क्या उसका एजेंडा कुछ अलग चल रहा है 2019 को लेकर? नहीं नहीं, शिवसेना ऐसा है कि शिवसेना पहले बड़ी पार्टी थी, बीजेपी छोटी पार्टी थी। अब जो है बीजेपी बड़ी हो गई है, शिवसेना छोटी हो गई है, तो शिवसेना का डर खाया जा रहा है कि कहीं ये जो है आगे हमको खाना जाए। लेकिन उसके बाद भी आज उद्धव ठाकरे जी घुटने टेक टेक करके सत्ता का लड्डू एक तरफ खा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी को गाली दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूँ बार बार, बाला साहब ठाकरे की नीतियों से हम लोग कभी मुत्तफिक नहीं थे, हमारा उनका हमेशा उनकी नीतियाँ हमारी नीतियाँ टकराई हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी ज़िंदगी में किसी के दरवाजे पर गए नहीं। बाला साहब ठाकरे ने राष्ट्रपति को हो या प्रधानमंत्री को, सबको अपने घर बुला करके झुका के बात किया। लेकिन उद्धव साहब जो हैं, आप तो घुटने टेक टेक करके घुटने को मरीज हो जाओगे लगता है। आप उन्हीं की औलाद हो, उन्हीं के बेटे आप हो, लेकिन आपके अंदर वो जोश नहीं है जो उनके अंदर था। अगर आपका अपमान हो रहा है बीजेपी में तो तुरंत बीजेपी को छोड़ कर अलग हो जाए, तो समझो मैं यहाँ कि आपने बाला साहब की इज्जत रखी। ये खुलेआम जो है इस देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहिए। एक बार ये देश 1947 में धर्म के नाम पर बढ़ चुका है और ये आने के बाद ये लोग फिर से, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके सुबह से शाम तक जितना आप लोग डिबेट करते हो टेलीविज़न पर कराते हो, वो सबका निचोड़ निकलता है आखिर में हिंदू और मुसलमान। तो ये मतलब ये पानी सर से ऊँचा हो चुका है। यह नया संविधान बनाना चाहते हैं, जो इनके साथ खड़ा रहेगा वो देश का प्रेमी होगा, जो इनसे अगेंस्ट हो जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो ये देश में हो रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। सारे सेकुलर लोगों को मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। कौन लोग हैं इनके पीछे? RSS है, RSS ज़हनियत है और फिर फिरकापरस्त लोग हैं, और कौन हो सकता है इनके पीछे? अच्छा, आपके एक बयान है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर होगा तो क्या?